नमस्कार वीक्षकों, मैं आपका बसवराज IIT एंजिन भविष्य प्रोग्राम है। वीक्षकों, नया साल आया है, नए साल का आप सबको शुभकामनाएं हैं और भगवान आप सबको इस बरस में अच्छा रखें। आपका दिल का हम सब इच्छा जो है उसको पूरा करने के लिए मैं उस भगवान को प्रार्थना करता हूं। वीक्षकों, आज का ये वीडियो भी मैं किसी भी राशि का कोई स्टोन कैसा पहनना है, वो स्टोन को पहनने के टाइम हम क्या क्या नियम पालन करना है, ये स्टोन हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, ये सब माहिती मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके पहले आप हमारा अंजन भविष्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा अंजन भविष्य वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट पे भी हमारा सब माहिती आप सब देख सकते हैं। वीक्षकों, किसी भी राशि का जो स्टोन हम पहनते हैं, वो स्टोन पहनने के टाइम अनेक नियम हम पालन करना है। वो नियम पालन करें तो हमको जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से लाभ होता है। देखिए वीक्षकों, यह स्टोन जो है हमारा जीवन में एक सिम कार्ड जैसा प्रभाव पड़ता रहता है। एक मोबाइल पे एक सिम कार्ड कैसा प्रभाव पड़ता है, वैसे ही हमारे जिंदगी में हम जो स्टोन पहनते हैं वो ऐसा प्रभाव पड़ता रहता है। वो मोबाइल को वो सिम एक्टिव रखता है, वो सिम से मोबाइल से फ़ोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत सारे काम हम करते हैं अभी उस सिम से वो मोबाइल पे। वैसे ही हमारा जिंदगी में हम जो स्टोन पहनते हैं, हमारा जिंदगी बहुत सारे काम करने के लिए वो स्टोन हमको अच्छी तरह से सपोर्ट देता रहता है, अनुकूल देता रहता है। करोड़ों सिम को एक रूम जैसा सैटेलाइट एक्टिव रखता है, एक छोटा सा सैटेलाइट। वैसे ही वो सैटेलाइट से हजारों करोड़ बहुत बड़ा रहने वाला ये नवग्रह जो है हमारा जिंदगी में प्रभाव पड़ता रहता है। वो स्टोन को कौन सी ग्रह का स्टोन कौन सा है, वो स्टोन हम अच्छी तरह से नियमबद्ध होके हम स्टोन पहने तो हमारा जिंदगी अच्छा रहता है, वो हम याद अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए, किधर भी हमारे घर के बाजू में आजू बाजू में एक बड़ा साउंड होए तो, एक पटाखा फोड़े तो हमारे घर का एक कोई भी वस्तु कोई भी चीज हिलता रहता है कि नहीं। वैसे ही हमारा स्टोन जो हम पहनते हैं वो उस ग्रह का वो तरंग जो है वो तरंग को मैच होता रहता है। वो तरंग मैच होने से ही हमारे घर का एक वस्तु किसी का साउंड को रिएक्ट किया है। वैसे ही हमारा स्टोन भी जो है वो दूर से दूर रहने वाला एक ग्रह का रिप्रेजेंट करता रहता है, उसका तरंग हम जो पहनते हैं ये स्टोन को मैच होता रहता है, उससे हमारा जिंदगी में प्रभाव पड़ता रहता है। ये साइंटिफिकली भी ठीक है, ये साइंटिफिकली भी बहुत करेक्ट रहने वाला एक इंफॉर्मेशन है। उसके लिए हम हमारे ज्योतिष को क्या बोलते हैं, एक ट्रेडिशनल साइंस बोलते हैं हमारे हिंदू कल्चर में। वीक्षकों, मैं अभी स्टोन कैसा पहनना है उसके बारे में माहिती दे रहा हूं, ये अच्छी तरह से आप याद में रखना है। देखिए, जो हम हमारा राशि के ऊपर हमारा जात का दिखाने के बाद ही स्टोन रखना है, ऐसे स्टोन नहीं पहनना है, क्योंकि कभी कभी वो जो ग्रह हमारा राशि का ग्रह जो है वो अच्छी तरह से हमको प्रभाव नहीं पड़ता रहता है, उस टाइम हम स्टोन देख के हमारा जात का पूर्ति देख के हमारा कुंडली पूर्ति देख के स्टोन पहनना है, ये पहले हम याद में रखना है। वो स्टोन जब हम खरीद के लेते हैं, वो स्टोन लेने के बाद हम जाके अंगूठी में डाल के ऐसे नहीं पहना है, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि वो स्टोन किधर भी पड़े रहता है, कोई भी टच किया रहता है, कुछ दोष जो है आया रहता है। उसके लिए वो स्टोन पहनने के टाइम उसको शाप विमोचन प्राण प्रतिष्ठा ये दोनों भी करने के बाद ये उसका दिन में वो स्टोन का एक अच्छा दिन रहता है, उस दिन में उसको शाप विमोचन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उस दिन में उसका वो स्टोन का एक मंत्र रहता है, वो मंत्र को 100
108 बार पढ़ने के बाद वो स्टोन को हम पहनना है, ऐसे ही नहीं पहनना है, ये हम अच्छी तरह से याद रखना है। और जो लेडीज जो है स्टोन को लेफ्ट हैंड में पहनना है, और जेंट्स जो है स्टोन को राइट हैंड पे पहनना है। ये तो ये अच्छी तरह से हम याद रखना है, क्योंकि जो मनुष्य का जो शरीर है वो पुरुष का शरीर में दाएं का जहाँ राइट साइड का बॉडी पार्ट जो है वो बहुत एक्टिव रहता है, वैसे ही लेडीज का लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। उसके लिए स्टोन पुरुष लोग जो है उस वो राइट हैंड में पहना है, लेडीज लोग जो है उस वो लेफ्ट हैंड में पहना है। स्टोन पहनने के बाद स्टोन पहन के नॉनवेज खाना नहीं है, ये हम अच्छी तरह से याद में रखना है। स्टोन पहन के नॉनवेज किया तो वो स्टोन को दोष आता है, उसके लिए स्टोन पहन के नॉनवेज नहीं खाना है। वैसे ही हम महीने में एक बार स्टोन को अच्छा पानी से, नहीं तो पनीर से, नहीं तो नारियल का पानी से हम क्लीन करके पहनना है, तभी वो स्टोन को दोष जो रहता है वो पूरा जाता है। ये सब चीज हम जिंदगी में हम स्टोन पहनने के टाइम फॉलो करना है, तब क्या होता है स्टोन से अच्छी तरह का हम प्रभाव ले सकते हैं और जिंदगी में अच्छे रह सकते हैं। और ये स्टोन पहनने के जो टाइम रहता है वो सब हम जात का दिखाने के बाद वो देख के पहने तो अच्छा है। वीक्षकों, स्टोन पहनने का ये सब माहिती मैं अभी दिया हूँ, ये मेन माहिती है, इसके छोटा छोटा मोटा माहिती रहता है, मगर ये स्टोन पहनने के टाइम बहुत अच्छी तरह से बहुत मुख्य जो माहिती है मैं अभी दिया हूँ, ये सब फॉलो करके स्टोन पहने तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से लाभ होता है। ये सब चीजों को आप सब याद में रखें। इतने तक वीक्षकों, इतने देर तक स्टोन कैसा पहनना है, कौन सा नियम पालन करना है, ये सब माहिती मैं दिया हूँ, वो सब आप पालन कीजिए, उससे अनेक लाभ आप उठा लीजिए करके बोल के मैं ये सब वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। भगवान का आशीर्वाद आप सबको हमेशा रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।